तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा असाइनमेंट 6 कक्षा 12वीं भूगोल का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें टिप्पणी लिखिए कोई एक। पहला पॉइंट दिया हुआ है इसमें मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है गुजरात औद्योगिक प्रदेश। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक एक का उत्तर दिया हुआ है मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। औपनिवेशक काल से व्यापारिक महत्व के चलते मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ। मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना की गई थी। यहाँ पर औद्योगिक विकास के प्रमुख कारक निकटवर्ती क्षेत्रों से कच्चे माल के रूप में कपास की प्राप्ति। वर्ष 1869 में स्वेज नहर का विकास होने से यूरोप से व्यापार की सुगमता, औपनिवेशक काल से व्यापारिक नगरी स्थिति, श्रम की उपलब्धता तथा कालांतर में पश्चिमी घाट में जल विद्युत उत्पादित ऊर्जा आपूर्ति से इस औद्योगिक प्रदेश का विकास हुआ है। मुंबई में पेट्रोलियम के उत्खनन तथा खोज की वजह से उद्योगों में विविधता तथा मजबूती आई। इसके चलते प्लास्टिक उर्वरक, पेट्रो रसायन आदि उद्योगों का विकास हुआ। मुख्य रूप से औद्योगिक प्रदेश मुंबई, ठाणे से पुणे और नासिक तथा सोलापुर जिलों तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त यह अहमदनगर, रायगढ़, सांगली, सतारा, जलगांव आदि जिलों तक विस्तृत है। इसके बाद दिया हुआ है 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ। इस पतन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता था। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिम घाट प्रदेश में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए। फिर इसके बाद दिया हुआ है मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रासायनिक, चमड़ा, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन उपकरण और खाद्य उद्योगों का भी विकास हुआ। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउनलोड ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी और कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 IIT या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउनलोड ऐप पर। साथ ही डाउनलोड पर चल रही है क्लास 6, 9 से 12 IIT जेई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउनलोड ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का उत्तर दिया हुआ, पहला पॉइंट दिया हुआ इसमें इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास का बढ़ावा देने के लिए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट दिया हुआ है इस नहर कमान क्षेत्र में जल प्रबंधन नीति को सही रूप से लागू करना चाहिए। जल प्रबंधन पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है भूमि विकास नालों को पक्का करना, जैसे कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित रूप में लागू करने की आवश्यकता है, जिससे बहते जल के मार्ग में क्षति कम से कम हो सके। फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट दिया हुआ है इसमें कमजोर आर्थिक स्थिति वाले भू आवंटियों को सामाजिक सतत पोषणता के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता है। फिर इसके बाद चौथा पॉइंट दिया हुआ है इसमें जल सघन फसलों के स्थान पर बागवानी कृषि को प्रोत्साहन देकर खट्टे फलों की खेती करनी चाहिए। पाँचवा पॉइंट दिया हुआ है इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए वनीकरण, वृक्षों के रक्षण में खला का निर्माण तथा चरागाह का विकास करना चाहिए। छठा पॉइंट दिया हुआ इसमें सतत पोषणीय विकास के लिए कृषि तथा इससे संबंध क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। अथवा में दिया हुआ छत्तीसगढ़ में मिलने वाली प्रमुख खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य फसलों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसलों के नाम, पहला दिया हुआ इसमें चावल, यह राज्य की मुख्य फसल है। यहाँ सर्वाधिक उत्पादन चावल का ही होता है। प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि के 67% भाग में चावल की खेती होती है। राज्य के लगभग 36 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती होती है। चावल की फसल वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ गेहूँ,
छत्तीसगढ़ में गेहूं के अंतर्गत कम क्षेत्रफल 1.5% का मुख्य कारण शीतकाल में सिंचाई की सुविधाओं की कमी है। कांकेर, कोयलाबेड़ा, सामरी तहसीलों में गेहूं के अंतर्गत कुल भूमि का 1% या कुछ अधिक है। कोटा, बीजापुर, दंतेवाड़ी तहसील में गेहूं की खेती नगण्य है। इसके पश्चात क्रमशः दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजानंदगांव, रायगढ़ तथा बस्तर का स्थान है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कोदो कुटकी। फिर इसके बाद इसमें दिया हुआ कोदो कुटकी मोटे अनाज की फसल है। धान के पश्चात कोदो कुटकी राज्य की दूसरी प्रमुख उपज है। इसे गरीबों का अनाज कहा जाता है। वर्ष 2012-13 में 1.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह फसल बोई गई थी। सरगुजा मक्का का सर्वाधिक उत्पादक जिला है। फिर इसके बाद दिया हुआ अरहर। तो इसमें दिया हुआ है यह एक प्रमुख दलियन फसल है। इस फसल को जुलाई अगस्त में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसे वर्षा के आरंभ में कपास एवं ज्वार के साथ बोया जाता है। इस फसल के साथ ज्वार और कपास की फसल बोई जाती है। फिर इसके बाद दिया हुआ ज्वार। तो इसमें दिया हुआ ज्वार खरीफ एवं रबी दोनों की फसल है, लेकिन ज्वार का खरीफ क्षेत्र अधिक है। यह जून जुलाई में बोई जाती है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा दिया हुआ, इसमें भारत के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को प्रदर्शित कीजिए। 5 पॉइंट दिए हुए हैं। इसमें गंगा नदी, चाय उत्पादक क्षेत्र, नीलगिरी पर्वत, कच्छ की खाड़ी, छोटा रंगपुर का पठार। फिर इसके बाद इसमें अथवा वाला दिया हुआ है छत्तीसगढ़ के सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। बैलाडीला, महानदी, भिलाई स्टील प्लांट, रायपुर हीरे की खदान। तो इसका उत्तर देख लेते हैं अथवे वाले का। प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर दिया हुआ है बैलाडीला दिया हुआ है। इसमें दंतेवाड़ा, महानदी हो गई आपकी धमतरी। फिर इसके बाद दिया हुआ है भिलाई स्टील प्लांट, तो ये आपका हो गया दुर्ग। रायपुर राजधानी, हीरे की खदान रायपुर। दोस्तों अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करें nithyastudypoint.com, तो वहाँ से दोस्तों आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।